Hello students, we are now moving on to the last part of your last type of indefinite integration, that is integration by partial fraction expansion. इन टाइप के सम्स में क्या होता है कि न्यूमरेटर में भी एक पॉलिनोमियल आपको दिखेगा, डिनोमिनेटर में भी पॉलिनोमियल दिखेगा. कई बार ये जो पॉलिनोमियल है डिनोमिनेटर का वो फैक्टराइज नहीं होगा, कई बार फैक्टराइज होगा. आपको पहले ये चेक करना है कि न्यूमरेटर की और डिनोमिनेटर की डिग्री कितनी है. जैसे कि यहाँ पे न्यूमरेटर की डिग्री 2 है, डिनोमिनेटर की जो डिग्री है अगर आप इसको एक्सपांड करो तो वो 3 होगी. तो हमेशा डिनोमिनेटर की जो डिग्री है वो न्यूमरेटर से ग्रेटर होनी चाहिए, जो कि इस केस में है. अगर नहीं हुई तो क्या करना है वो हम लोग बाद में देखेंगे. जैसे ये हो गया, अब आप इसको फैक्टराइज करो. एक्स स्क्वायर माइनस वन का फैक्टराइजेशन होगा एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन. फाइन, तो हमको ये इंटीग्रल अब निकालना है. तो इसको आप क्या करोगे, डिनोमिनेटर को फैक्टराइज कर दोगे और उसको आप लिखोगे a अपॉन फर्स्ट फैक्टर, b अपॉन सेकेंड फैक्टर, c अपॉन थर्ड फैक्टर. ये करने के बाद क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हम लोग करेंगे सो दैट डिनोमिनेटर सेम आ जाए, डिनोमिनेटर लेफ्ट हैंड साइड का जो डिनोमिनेटर है उसके जैसा आ जाए. तो a के साथ मल्टीप्लाई होगा x माइनस वन एक्स प्लस टू, b के साथ मल्टीप्लाई होगा x प्लस वन एक्स प्लस टू, c के साथ मल्टीप्लाई होगा x प्लस वन एक्स माइनस वन. तो ये एक्सप्रेशन अब ऐसा दिखेगा, दोनों तरफ x प्लस वन एक्स माइनस वन एक्स प्लस टू, ये तीन फैक्टर्स कैंसिल आउट होंगे और अब आपको मिलेगा 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस वन एक्स प्लस टू, b इंटू एक्स प्लस वन एक्स प्लस टू, प्लस c इंटू एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन. अब हम लोग एक एक करके जो टर्म है उसको ज़ीरो बनाने की कोशिश करेंगे. ये ज़ीरो कब बनेगा, जब x का वैल्यू 1 होगा. तो हम x का वैल्यू 1 पुट करके देखेंगे दोनों तरफ. तो x का वैल्यू 1 पुट करोगे ये टर्म 0 होगा, x का वैल्यू 1 पुट करोगे ये वाला टर्म 0 होगा, ये वाला टर्म सिर्फ बचा रहेगा, ये सर्वाइव करेगा. लेफ्ट हैंड साइड पे x का वैल्यू 1 पुट करोगे यहाँ पे आएगा 3 प्लस 4 माइनस 5. 3 प्लस 4 माइनस 5 कितना होता है, 7 माइनस 5 दैट इज 2. x का वैल्यू 1 पुट करने पे इसका वैल्यू 2 होगा लेफ्ट हैंड साइड. राइट हैंड साइड पे ये टर्म 0, ये टर्म 0. x का वैल्यू 1 आपने पुट किया है तो 1 प्लस 1 यहाँ पे होगा 2, 1 प्लस 2 यहाँ पे आएगा 3, तो 2 इंटू 3. तो b के साथ मल्टीप्लाई होगा 2 इंटू 3. तो यहाँ से b की वैल्यू आपको कितनी मिलेगी, 1 बाई 3. फिर हम लोग इस फैक्टर को ज़ीरो करने की कोशिश करेंगे कि ये फैक्टर ज़ीरो कब होगा, जब x का वैल्यू आप माइनस 2 पुट अप करोगे. x का वैल्यू माइनस 2 पुट करोगे ये टर्म 0 होगा, ये टर्म 0 होगा और ये टर्म बच जाएगा. लेफ्ट हैंड साइड पे भी x का वैल्यू माइनस 2 पुट करेंगे तो यहाँ पे आएगा 3 इंटू माइनस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 इंटू माइनस 2 माइनस 5 इज इक्वल टू ये टर्म 0, ये टर्म 0, c इंटू x का वैल्यू हमने माइनस 2 पुट किया, माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1, माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3, 4 थ्री ज़ा 12, माइनस 4 इंटू 2 8, माइनस 5 इज इक्वल टू c इंटू 3, माइनस वन माइनस थ्री क्या होगा 3, 12 माइनस 8 इज 4 एंड 4 माइनस 5 इज माइनस 1, तो माइनस 1 इज c इंटू 3. यहाँ से हमको c की वैल्यू मिल जाएगी, c का वैल्यू है माइनस 1 बाई 3. अब आते हैं तीसरे फैक्टर पे, हमने इसको ज़ीरो बनाया, इसको ज़ीरो बनाया. अब हम लोग x प्लस 1 को ज़ीरो बनाएंगे. ये फैक्टर कब ज़ीरो होगा, जब x का वैल्यू माइनस 1 होगा. तो हम लोग x का वैल्यू माइनस 1 रखेंगे दोनों तरफ. यहाँ पे रखोगे तो 3 इंटू 1 आएगा, x का वैल्यू माइनस 1 रखा तो माइनस 4 माइनस 5 इज इक्वल टू, x का वैल्यू माइनस 1 रखोगे तो ये टर्म 0, ये टर्म 0 होगा और ये टर्म बचा रहेगा. तो a के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा, x का वैल्यू माइनस 1 रखा तो माइनस 1 माइनस 1 इज माइनस 2 और a के साथ क्या मल्टीप्लाइड होगा, x का वैल्यू माइनस 1 रखा तो माइनस 1 प्लस 2 इज 1. यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे क्या आएगा, 3 माइनस 4 विच इज़ माइनस 1 माइनस 5 इज इक्वल टू a इंटू माइनस 2 इंटू 1 इज माइनस 2. तो लेफ्ट हैंड साइड पे है माइनस 6 a इंटू माइनस 2, a का वैल्यू आपको मिलेगा 3. तो a b c के वैल्यूज हमको हमारे पास आ गए. हम लोग यहाँ पे a b c का वैल्यू पुट करेंगे. तो अब जो इंटीग्रेशन का आंसर है वो क्या निकल के आएगा ये देखो. Now we have integral 3x square plus 4x minus 5 upon x square minus 1
x प्लस टू डी एक्स इज इक्वल टू, ए का वैल्यू हमने डिराइव किया, हमको ये पुट करना है, ये जो इंटीग्रेंड है उसको हम ऐसे तीन इंटीग्रल्स में ब्रेक करेंगे। ए का वैल्यू आया थ्री, तो यहाँ पे आएगा थ्री अपॉन एक्स प्लस वन, ये इंटीग्रेंड को हम ऐसा लिखेंगे। बी का वैल्यू आया वन बाय थ्री, तो प्लस वन बाय थ्री अपॉन एक्स माइनस वन। सी का वैल्यू आया माइनस वन बाय थ्री, तो माइनस वन बाय थ्री एक्स प्लस टू, इंटीग्रेशन डी एक्स। तो ये जो इंटीग्रल है ये ऐसा ब्रेक हो जाएगा, ए बी सी के वैल्यूज आप पुट कर दोगे, तो द आंसर इज थ्री, इंटीग्रेशन वन बाय एक्स प्लस वन इज लॉग ऑफ एक्स प्लस वन, प्लस वन बाय थ्री, इंटीग्रेशन वन बाय एक्स माइनस वन इज लॉग ऑफ एक्स माइनस वन, और यहाँ पे आएगा माइनस वन बाय थ्री, वन बाय एक्स प्लस टू का इंटीग्रल लॉग ऑफ एक्स प्लस टू, ये आंसर है इसका। ये नेक्स्ट सम, हम लोग अभी जो भी इंटीग्रल्स इसमें देख रहे हैं दैट इज टाइप वन इंटीग्रल्स। टाइप वन इंटीग्रल क्या होता है कि डिनोमिनेटर में आपके पास लीनियर फैक्टर्स होते हैं। ये थोड़ा अलग टाइप का सम है उसी टाइप का जो अभी हमने सम देखा। पहला स्टेप क्या है कि आपको इसमें एक्स स्क्वायर को डमी वेरिएबल यहाँ पे पुट करना है, जस्ट यूज़ करने के लिए। एक्स स्क्वायर का वैल्यू मान लो हम लोग एम पुटअप करते हैं, तो ये इंटीग्रल कैसा दिखेगा, टू एम माइनस थ्री अपॉन एम माइनस फाइव एंड एम प्लस फोर। इनफैक्ट ये इंटीग्रल भी लिखना नहीं चाहिए, जस्ट हम लोग इस इंटीग्रेंड को देख रहे हैं। अगर आप एक्स स्क्वायर का वैल्यू एम पुट करते हो तो ये ऐसा दिखेगा, ऊपर की डिग्री कितनी वन, नीचे की डिग्री टू, तो नीचे की डिग्री ग्रेटर है न्यूमरेटर से, दिस इज़ फाइन। अब इसको लिखा जाएगा ए अपॉन एम माइनस फाइव प्लस बी अपॉन एम प्लस फोर, ये फैक्टर इधर, ये फैक्टर इधर, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिलेगा टू एम माइनस थ्री अपॉन एम माइनस फाइव एम प्लस फोर इज इक्वल टू ए एम प्लस फोर प्लस बी एम माइनस फाइव अपॉन एम माइनस फाइव एम प्लस फोर। दोनों तरफ एम माइनस फाइव एम प्लस फोर, ये फैक्टर कैंसिल आउट होगा, यू विल गेट टू एम माइनस थ्री इज इक्वल टू ए एम प्लस फोर प्लस बी एम माइनस फाइव। बारी बारी से आपको एक फैक्टर ज़ीरो करना है, तो इसको ज़ीरो करने के लिए एम का वैल्यू हम लोग माइनस फोर पुटअप करेंगे दोनों तरफ। तो एम का वैल्यू अगर हमने माइनस फोर पुटअप किया, हमको इसका आंसर क्या मिलेगा देखते हैं। एम का वैल्यू माइनस फोर यहाँ पे पुट किया, माइनस एट माइनस थ्री इज इक्वल टू, ये टर्म होगा ज़ीरो, और यहाँ पे मिलेगा बी इंटू माइनस फोर माइनस फाइव दैट इज माइनस नाइन। लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है माइनस इलेवन, राइट हैंड साइड पे क्या है बी इंटू माइनस नाइन, यहाँ से आपको बी का वैल्यू मिलेगा इलेवन बाय नाइन। तो हमने क्या किया इस इक्वेशन में, पहले इसको ज़ीरो बनाया, अब हम लोग इसको ज़ीरो बनाएंगे। ये कब ज़ीरो बनेगा, जब m का वैल्यू फाइव पुटअप करेंगे, तो m का वैल्यू हम लोग फाइव पुटअप अगर करें तो ये ज़ीरो बनेगा, और लेफ्ट हैंड साइड पे अगर आप फाइव पुट करोगे, फाइव टू ज़ा टेन, टेन माइनस थ्री इज इक्वल टू, इस इक्वेशन के साथ हमको प्ले करना है, a इंटू फाइव प्लस फोर इज नाइन, तो सेवन इज a इंटू नाइन, ए का वैल्यू सेवन बाय नाइन। फिर हमको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, इंटीग्रेंड पे आ जाते हैं। इंटीग्रेशन अभी देखो 2m माइनस थ्री अपॉन m माइनस फाइव एम प्लस फोर, इसका जो ब्रेकेज है वो कैसा है, a अपॉन m माइनस फाइव b अपॉन m प्लस फोर। अब हम लोग सब्सटीट्यूट करेंगे, m का वैल्यू क्या है x स्क्वायर, तो जो इंटीग्रेंड है हमको ये इंटीग्रल निकालना था, इस इंटीग्रल को अब हम लोग लिखेंगे a अपॉन m माइनस फाइव, m का वैल्यू है x स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस फाइव प्लस बी अपॉन एम प्लस फोर, एम का वैल्यू है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस फोर डी एक्स, ये अब हमको कैलकुलेट करना है। ठीक है, सिंपल है काफ़ी, ये जो ए और बी का वैल्यू है वो हमने डिराइव तो किया है, वो हम लोग पुट करेंगे, बट आइडिया क्या है कि एक्स स्क्वायर ऊपर और नीचे का टर्म दिख रहा था, एक्स स्क्वायर ऊपर भी था नीचे भी था, तो हमको क्या करना है कि एक्स स्क्वायर को पहले एम पुट अप करना है, पार्शियल फ्रैक्शन एक्सपेंशन लगाना है, और m के टर्म्स में पार्शियल फ्रैक्शन एक्सपेंशन लगा के a भी निकालना है, और अब इंटीग्रेशन इसका भी आएगा प्लस इसका भी आएगा, ऐसा इंटीग्रल दिखेगा। a का वैल्यू अब पुट कर देते हैं, तो पहला इंटीग्रल है 7 बाई नाइन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस फाइव को लिखेंगे रूट फाइव स्क्वायर, प्लस b का वैल्यू भी पुट करते हैं, b है 11 बाई नाइन,
डिवीजन में है एक्स स्क्वायर प्लस फोर, फोर को लिखेंगे टू स्क्वायर डी एक्स विच इज इक्वल टू सेवन बाय नाइन, बाहर निकलेगा वन बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रल दैट इज वन बाय टू ए लॉग ऑफ एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस 11 बाय नाइन, ये कांस्टेंट बाहर निकलेगा, वन बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रल वन बाय ए टैन इनवर्स एक्स बाय ए, ये आंसर है। फाइन, ये भी सम इसी टाइप का है जो अभी तक हम लोग देखते आए हैं। आपको लग रहा होगा कि कैसे, बट अगेन ये वेरिएशंस है उसी एक टाइप के सम में जहाँ पे ऊपर और नीचे पॉलिनोमियल दिखता है और नीचे की डिग्री ऊपर से बड़ी रहती है और आपको ए बी सी पार्शियल फ्रैक्शन एक्सपेंशन लगाना है, ये भी उसी टाइप का सम है बट स्पेशल टाइप का सम है। ये आपको क्या करना है, ऊपर साइन थीटा से मल्टीप्लाई करना है, नीचे भी साइन थीटा से मल्टीप्लाई करना है। ऑलरेडी नीचे साइन है तो इधर होगा साइन स्क्वायर थीटा, थ्री प्लस टू कॉस थीटा, ऊपर डी थीटा। अब हम लोग क्या करेंगे, साइन स्क्वायर को लिखेंगे कॉस के टर्म में, तो यहाँ पे आएगा साइन थीटा डी थीटा वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा एंड थ्री प्लस टू कॉस थीटा। अब हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, हम लोग पुट करेंगे कॉस थीटा इज इक्वल टू टी, डेरिवेटिव क्या होगा माइनस साइन थीटा डी थीटा इज डी टी, तो ऊपर आएगा। सो व्हाट इज साइन थीटा डी थीटा, माइनस डी टी, ऊपर साइन थीटा डी थीटा है तो ये होगा माइनस डी टी, यहाँ पे आएगा वन माइनस टी स्क्वायर थ्री प्लस टू टी। इसको हम लोग ऐसा लिखेंगे माइनस इंटीग्रल वन अपॉन वन माइनस टी वन प्लस टी एंड थ्री प्लस टू टी डी टी। ये माइनस साइन हम लोग नीचे अगर शिफ्ट करें तो इस फैक्टर के साथ लगा दो तो ये इंटीग्रल ऐसा दिखेगा वन बाय टी माइनस वन टी प्लस वन, इसको ऐसा लिखेंगे टी प्लस वन और इसको लिखेंगे टू टी प्लस थ्री डी टी। और इसको फिर हम लोग अब ब्रेक करेंगे ए अपॉन टी माइनस वन b अपॉन t प्लस वन c अपॉन टू टी प्लस थ्री डी टी। हमको निकालना है अब ए बी सी, कंपेयर करना स्टार्ट करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड पे है a t माइनस वन t प्लस वन टू टी प्लस थ्री, राइट हैंड साइड पे है a अपॉन t माइनस वन b अपॉन t प्लस वन c अपॉन टू टी प्लस थ्री। फिर वही हम लोग इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा वन राइट साइड पे आएगा ए टी प्लस वन टू टी प्लस थ्री बी टी माइनस वन टू टी प्लस थ्री प्लस सी टी माइनस वन टी प्लस वन। अब एक एक करके हमको फिर से टी के वैल्यूज पुट करने होंगे यहाँ पे आके। पहले क्या करें, इसको ज़ीरो बनाते हैं, टी का वैल्यू माइनस वन पुट करेंगे। टी का वैल्यू माइनस वन पुट करोगे ये टर्म ज़ीरो होगा और ये टर्म जीरो होगा, ये बच जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड पे तो वन ही है, वन इज इक्वल टू बी इंटू टी का वैल्यू माइनस वन पुट किया यहाँ पे आएगा माइनस टू, यहाँ पे माइनस वन अगर टी का वैल्यू पुट करते हो यहाँ पे आएगा वन, तो बी का वैल्यू आएगा माइनस हाफ। फिर इसको ज़ीरो बनाते हैं, ये ज़ीरो कब बनेगा जब आप टी का वैल्यू पुट करोगे माइनस थ्री बाय टू, तो ये टर्म ज़ीरो ये टर्म ज़ीरो, सी आपको मिल जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड पे है वन इज इक्वल टू सी इंटू माइनस थ्री बाय टू माइनस वन माइनस थ्री बाय टू प्लस वन, वन इज इक्वल टू सी इंटू माइनस फाइव बाय टू एंड यहाँ पे आएगा माइनस वन बाय टू, तो यहाँ से सी की वैल्यू आएगी फोर बाय फाइव। और फिर हम लोग देखो इस तीन फैक्टर्स दिख रहे हैं तो इसको ज़ीरो बनाए इसको ज़ीरो बनाए, अब इसको ज़ीरो बनाएंगे तो टी को वैल्यू वन पुट करेंगे हम लोग। टी का वैल्यू वन पुट किया तो ये ज़ीरो हमको ए मिलेगा, लेफ्ट हैंड साइड पे तो वन ही रहेगा, ए इंटू यहाँ पे आएगा टू इंटू फाइव, ए का वैल्यू वन बाय टेन। तो आगे सारे के सारे वैल्यूज हमारे पास ए बी सी के। अब आते हैं इंटीग्रल के ऊपर। इंटीग्रल में क्या था, देखो इंटीग्रल हमको ये वाला निकालना था, इसको हमने ब्रेक किया ए बी और सी के टर्म्स में, तो अब हमको ये इवैल्यूएट करना है ए बी सी के वैल्यूज पुट करके। तो आंसर हमारा क्या होगा, इंटीग्रल ए वन बाय टेन अपॉन
ये देखो यहाँ पे a अपॉन t माइनस वन, उसके बाद इंटीग्रल b, b इज माइनस हाफ अपॉन t प्लस वन, ये वाला टर्म b का वैल्यू माइनस हाफ, और फिर इंटीग्रल c, c का वैल्यू है 4/5 अपॉन 2t प्लस 3। चीज़ों को थोड़ा इजी रखने के लिए यहाँ पे मैंने dt नहीं लिखा है, बट एग्जाम में आपको लिखना होगा, बोर्ड एग्जाम में, और कॉम्पिटेटिव एग्जाम में तो मैटर नहीं करेगा। तो यहाँ पे आएगा 1/10 इंटीग्रेशन 1/t-1 इज लॉग ऑफ t-1, माइनस हाफ बाहर, इंटीग्रेशन 1/t+1 इज लॉग ऑफ t+1, एंड 4/5 इसका इंटीग्रल लॉग ऑफ 2t+3 डिवाइडेड बाय 2। दैट्स इट, ये आंसर है। और हमने सब्स्टिट्यूट क्या किया था, कॉस थीटा को t पुट किया था, तो t की जगह पे फिर से कॉस थीटा पुट कर दो, तो यहाँ पे आएगा लॉग ऑफ कॉस थीटा माइनस वन माइनस हाफ लॉग कॉस थीटा प्लस वन प्लस 4/10 लॉग ऑफ 2 cos θ + 3। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट सम, अब हम लोग एक्सरसाइज पे आते हैं, जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है 3.4। सी यहाँ पे देखो प्रॉब्लम क्या है, ऊपर की डिग्री और नीचे की जो डिग्री है वो सेम है, इसमें प्रॉब्लम है, आप इसमें पार्शियल फ्रैक्शन एक्सपेंशन नहीं लगा सकते, आपको ऊपर की डिग्री कम करनी होगी। उसका तरीका क्या है, लॉन्ग डिवीजन। लॉन्ग डिवीजन से भी इजीली इस क्वेश्चन में आंसर कैसे लाया जा सकता है, विच इज़ इंटीग्रल। आप क्या करो, नीचे का टर्म ऊपर लेके आओ, देखो x² + x - 6 है, x² + x है, तो हम लोग इधर ऊपर -6 लेके आएंगे, तो x² + x - 6 - 1 + 6 - 6 + 6 हमने एडजस्ट किया, डिनोमिनेटर में है x² + x - 6, तो इन टर्म्स को अलग कर दो, ये टर्म अलग, ये अपॉन ये क्या होगा 1, तो यू विल गेट इंटीग्रल 1, और इन दोनों का एडिशन कितना आएगा +5 अपॉन x² + x - 6 dx। तो आइडिया क्या है कि इसका डिग्री कम करने के लिए आपको नीचे का टर्म ऊपर लेके आना है, एक तो ये है, अगर ये नहीं हो पा रहा तो लॉन्ग डिवीजन परफॉर्म कर दो, आपको यही आंसर मिलेगा। वो भी हम लोग देखेंगे लॉन्ग डिवीजन का जो प्रोसेस है वो कब यूज़ करना है, जब यहाँ पे डिग्री 4 या डिग्री 3 हो तो वो करना है आपको। एनी हाउ यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा कि ऊपर और नीचे की डिग्री सेम हो तो नीचे के टर्म्स ऊपर लेके आओ, ओके, एडजस्ट करो और फिर सेपरेट कर दो, जैसे हमने यहाँ पे किया, ये अपॉन ये 1 आ जाएगा और बचा ये -1 + 6 क्या होता है +5 अपॉन x² + x - 6। फाइन, तो दो इंटीग्रल्स है अब यहाँ पे, इंटीग्रल 1 dx प्लस इंटीग्रल 5 अपॉन x² + x - 6 dx। तो इसको अब हम लोग ऐसा लिखेंगे, इसका इंटीग्रल है x, 5 बाहर इंटीग्रल 1 अपॉन, इसको फैक्टराइज करेंगे, इसका फैक्टराइजेशन है x + 3 x - 2 dx। तो इसका पार्शियल फ्रैक्शन एक्सपेंशन निकालेंगे, x + 5 यहाँ पे आएगा इंटीग्रल a अपॉन x + 3 प्लस b अपॉन x - 2 dx। अब हमको a और b निकालना है और फिर इसमें सब्स्टिट्यूट करने पे आंसर आ जाएगा, आंसर भी निकाल देते हैं, x + 5 यहाँ पे आएगा, a बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, इसका इंटीग्रल है log x + 3 प्लस b log x - 2। फाइन, दिस इज द आंसर। अब बस a और b निकालना है, तो वो निकालते हैं, हमने इसको ऐसे ब्रेक किया हुआ है, तो लेफ्ट हैंड साइड पे 1 अपॉन x + 3 x - 2 है, और राइट हैंड साइड पे ये वाला टर्म है a अपॉन x + 3 b अपॉन x - 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे 1, राइट हैंड साइड पे a into x - 2 b into x + 3। एक्स को 2 पुट करेंगे तो ये 0 होगा, विल गेट 1, एक्स को मैंने 2 पुट अप किया तो ये 0 बनेगा, लेफ्ट हैंड साइड पे 1 b into 5, b का वैल्यू 1/5, फिर x का वैल्यू हम लोग -3 पुटअप करेंगे, x का वैल्यू -3 पुटअप किया, 1 = a into -5 आएगा यहाँ पे, a का वैल्यू -1/5 आ गया आंसर, इसमें पुट कर दो a और b का वैल्यू, आंसर इज x + 5 को अंदर शिफ्ट कर दो, 5a, तो 5a का वैल्यू है -1/5 log x + 3। 5 अंदर b के साथ मल्टीप्लाई होगा तो यू विल गेट 5 into b, b का वैल्यू है 1/5 log ऑफ x - 2। सो द आंसर इज x, 5 5 विल कैंसिल आउट, -log x + 3
5 5 will cancel out plus log x minus 2. ये आंसर है. अब ये सम देखते हैं जहाँ पे न्यूमरेटर की एक्चुअली डिग्री ग्रेटर है डिनोमिनेटर से. इसमें जैसे कि मैंने कहा था लॉन्ग डिवीजन करना होगा, तो 6x³ 5x² प्लस 0x माइनस 7, इसका हम लोग लॉन्ग डिवीजन परफॉर्म करेंगे 3x² माइनस 2x माइनस 1 के साथ. यहाँ पे हमको एडजस्ट करना होगा 2x मल्टीप्लाई 6x³ माइनस 4x² माइनस 2x सब्ट्रैक्ट 9x² प्लस 2x माइनस 7. यहाँ पे हमको एडजस्ट करना होगा 3 एंड इनको मल्टीप्लाई करोगे यू गेट 9x² माइनस 6x माइनस 3 सब्ट्रैक्ट 8x माइनस 4. यहाँ पे लॉन्ग डिवीजन रुकेगा क्योंकि इसकी जो रिमाइंडर की डिग्री है वो 1 आ गई एंड इधर डिग्री 2 है. अब हम लोग लिखेंगे डिविडेंड इज डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर. कहाँ लिखेंगे? यहाँ पे डिविडेंड ये है हमारा. तो अब इंटीग्रल ऐसा लिखेगा डिविडेंड इज डिवाइजर इनटू कोशेंट 3x² माइनस 2x माइनस 1 इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर 3x² माइनस 2x माइनस 1 dx. तो दिस इज हाउ द इंटीग्रल विल लुक अपॉन लॉन्ग डिवीजन. तो ये प्रॉब्लम है बस जो आपको टैकल करनी है जब कभी न्यूमरेटर की जो डिग्री है वो ग्रेटर हो, लॉन्ग डिवीजन परफॉर्म करके वो कम हो जाएगी. कैसे कम होगी ये देखो. अब हम लोग इसको दो इंटीग्रल्स में ब्रेक करेंगे. तो इसको इससे डिवाइड करोगे तो ये टर्म कैंसिल आउट होगा, यू विल गेट 2x प्लस 3 dx प्लस इंटीग्रल 8x माइनस 4 अपॉन 3x² माइनस 2x माइनस 1 dx. देखो हो गया, ये एक लीनियर टर्म बन गया, बहुत इजीली इसका आप इंटीग्रल लगा सकते हो. और यहाँ पे देखो ऊपर की डिग्री 1 है नीचे की डिग्री 2 है, तो डिग्री ऊपर की कम हो गई अपने आप. अब इसका इंटीग्रल लगाएंगे, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा 2x² बाय 2 प्लस 3x प्लस यहाँ पे 4 आप बाहर निकाल दो, 4 इंटीग्रल 2x माइनस 1 अपॉन इसको भी हम लोग फैक्टराइज कर देंगे. अब ये मैं करके नहीं दिखा था बट इसका फैक्टराइजेशन आप लिखने की कोशिश करो, या चलो कर देते हैं इसको. ये देखो डिनोमिनेटर का फैक्टराइजेशन क्या होगा, यहाँ पे मैं परफॉर्म करता हूँ 3x² माइनस 2x माइनस 1, तो 3x² माइनस 3x प्लस x माइनस 1, 3x कॉमन निकालो x माइनस 1 प्लस 1 बाहर निकालो x माइनस 1, 3x प्लस 1 इंटू x माइनस 1. तो डिनोमिनेटर में हम लोग ये फैक्टराइजेशन पुट कर देंगे 3x प्लस 1 एंड 3 एंड x माइनस 1 dx. यहाँ पे हमको पार्शियल फ्रैक्शन एक्सपेंशन लगाना होगा, वो भी अप्लाई कर देते हैं. यहाँ पे 2 कैंसिल आउट होगा, विल गेट x² प्लस 3x प्लस 4 इंटू ये जो है इसको हम लोग ब्रेक कैसे करेंगे, इंटीग्रल a अपॉन 3x प्लस 1 प्लस b अपॉन x माइनस 1. और हमको अब इंटीग्रल a अपॉन ये b अपॉन ये इसका भी आंसर लिख देते हैं, x² प्लस 3x प्लस 4 और यहाँ पे आएगा a log 3x प्लस 1 बाय 3 और फिर आगे आएगा प्लस b, इसका इंटीग्रल क्या होगा log x माइनस 1. दैट्स इट, ये हमारा आंसर है 4 a टाइम्स 1 बाय 3x प्लस 1 का इंटीग्रल log 3x प्लस 1 और डिवाइडेड बाय x का कोएफिशिएंट दैट इज 3. फिर आएगा b टाइम्स log ऑफ x माइनस 1. दैट्स इट, ये आंसर है. अब हमको a और b निकालना है. तो हम लोग अब पार्शियल फ्रैक्शन एक्सपेंशन लगाएंगे यहाँ पे टू गेट a एंड b. हमने इस इंटीग्रल को ये दो इंटीग्रल्स में ब्रेक किया है और हमको a और b निकालना है, ठीक है. तो देखो 2x माइनस 1 अपॉन 3x प्लस 1 इंटू x माइनस 1 इज इक्वल टू, हमने ब्रेक किया है a अपॉन 3x प्लस 1 प्लस b अपॉन x माइनस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 2x माइनस 1 इज a x माइनस 1 b 3x प्लस 1. a और b हमको निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, पहले x को 1 पुट अप करेंगे लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड पे. x को 1 पुट किया, यहाँ पे आएगा 1 इज इक्वल टू b इंटू 4. फिर
एक्स को माइनस वन बाई थ्री पुटअप करेंगे तो ये जीरो बनेगा, टू इंटू माइनस वन बाई थ्री माइनस वन इज इक्वल टू ए इंटू माइनस वन बाई थ्री माइनस वन, यहाँ पे आएगा माइनस फाइव बाय थ्री इज इक्वल टू ए इंटू माइनस फोर बाय थ्री, तो ए का वैल्यू होगा फाइव बाय फोर, ये रहा ए और बी का वैल्यू जो कि हमको आंसर में पुटअप करना है। तो हमारा आंसर ये निकल के आया था, इसमें अगर आप पुट कर दो तो फाइनल आंसर कैसा दिखेगा ये देखो, फाइनल आंसर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, उसमें क्या क्या टर्म्स होंगे, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस फिर आएगा फोर ए टाइम्स, ए का वैल्यू हमने डिराइव किया फाइव बाय फोर, तो फाइव बाय फोर ए का वैल्यू यहाँ पे होगा लॉग ऑफ थ्री एक्स प्लस वन बाय थ्री, और फिर आएगा प्लस बी, बी का वैल्यू हमने डिराइव किया वन बाय फोर लॉग ऑफ एक्स माइनस वन, ये बड़ा सा इसका आंसर है। तो यहाँ पे हम लोग स्टॉप करते हैं, कल हम लोग और कुछ सम्स देखेंगे इसी टाइप वन के ऊपर, और फिर टाइप टू पे जाएंगे और फिर टाइप थ्री पे। थैंक यू।